हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज दिसंबर का ये मेड चल रहा है। अभी अभी हमारा टाइम हो गया है एप्पल प्लांट प्रोनिंग करने का। देखिए दोस्तों, मेरा जो एप्पल प्लांट लगा हुआ था, जो रिपोर्टिंग का वीडियो में छोड़ा हुआ था, ये देखिए दोस्तों, ये तकरीबन कितना हाइट हो चुका है। ये 10 से 11 फुट हाइट हो चुका है, अभी बहुत हाइट हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये मेरा एप्पल प्लांट का पौधा है। ये हमारा अन्ना वेराइटी का एप्पल प्लांट का पौधा है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोनिंग नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पौधा हो, आपका प्रोनिंग नहीं करेंगे तो वो टाइम टू टाइम ये फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। प्रोनिंग जितना करेंगे पौधे को, वो उतना अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये दोस्तों देखिए, ये जो हमारा ये बहुत ये क्या है कि इतना लगभग हम लगभग हमारा 5 से 6 फुट के ऊपर ही ये ब्रांच निकला है। दोस्तों देखिए, ये जो ब्रांच मल्टीपल ब्रांच डिवाइड हुआ है, ये 1 2 3 सारे जितने भी ब्रांच निकले हैं हमारा, उस तरफ भी एक ठो निकला है। ये लगभग 5 से 6 फुट की हाइट। ये देखिए, ये हमारा सारे देखिए पूरा सिंगल गया है, यहाँ पर से ही ब्रांच निकला है। देखिए दोस्तों, विंटर के वजह से मेरा जितना भी यहाँ पर पत्ता था, सारे झड़ना चालू हो गए हैं। देख पा रहे होंगे, वहाँ पर सारे पत्ता सूखकर गिरना चालू हो गया है। अभी इसलिए प्रोनिंग का टाइम हो गया है, इसलिए मैं इसका जो टिप्स है, मतलब जो मेन ब्रांच है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसका टिप को मैं काट दूँगा, जो कि ये उतना हाइट नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए, मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ। दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा मेन ब्रांच है, इसका जो ये पूरा ग्रोथ होकर ऊपर गया है, इसको मैं यहीं से काट रहा हूँ। दोस्तों देख पा रहे होंगे, जब भी आप कोई भी पौधा काटे, वो 45 डिग्री एंगल पर काटने से जो बारिश और बारिश का जो पानी होता है, वो वहाँ पर नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। इसको ऐसे काट देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मैं काट दिया हूँ, देख पा रहे होंगे। और ये साइड जो ब्रांच निकला हुआ है हमारा, ये लगभग 1 ही फुट का अभी तक हाइट हुआ है। मैं इसको अभी नहीं काटने वाला हूँ, क्योंकि ये टोटली इतना ही ग्रोथ हुआ है। ऊपर थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, ये हमारा जो कार्टन में लगाया हुआ है तो बहुत हाइट हो जाएगा छत के लिए, इसीलिए मैं उसका टिप को थोड़ा काटना पड़ा। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा HRMN 99 का जो एप्पल का पौधा होता है, जो गर्मी में होता है, 50 डिग्री सेल्सियस में भी होता है, ये हमारा वही पौधा है। हम लगभग अगले ये अप्रैल मंथ में मैं लाकर लगाया था। इसका ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, ये लगभग 11 से 12 फुट हाइट हो चुका है। अभी इसका बहुत अच्छा समय है इसको अभी प्रोनिंग करने का। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखाया था, ये वो अन्ना वेराइटी का था, ये HRMN 99 का पौधा है। ये अभी पूरा डोरमेंट पोजीशन के पूरा अंदर चला जाता है, ये पूरा सुप्त अवस्था में चला जाता है। ये विंटर सीजन के होने के बाद ही पूरा डोरमेंट पोजीशन के चला जाता है, इसीलिए अभी इसका ग्रोथ पूरी तरह से रुक गया है। इसको अभी सही समय है इसको प्रोनिंग करने का। दोस्तों मैं दिखाता हूँ ये पौधे को कैसे आप प्रोनिंग करते हैं। ये देखिए, मेरा एक मेन ब्रांच है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ग्राफ्टिंग हुआ है। ये मेन ब्रांच है, ये आपका मेन ब्रांच है, देख पा रहे होंगे। ये मेन ब्रांच लगभग 7 से 8 फुट के ऊपर ही ये कितना ब्रांच में डेवलप हुआ है, देखिए 1 2 3 करीबन 5 ब्रांच में डेवलप हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांच इसका निकला हुआ है। दोस्तों देखिए, मैं इसको प्रोनिंग कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपको ये जो ब्रांच आपको जा रहा है, सारे जितने भी आपका ब्रांच पकड़ लीजिए, अगर वो इंटर मतलब इनर साइड में उसका ब्रांच अगर डेवलप कर रहा है, सारे अंदर के तरफ जो भी ब्रांच जा रहा है उसको काट के हटा देना है, जितना भी बाहर आ रहा है उसको ही रखना है। दोस्तों आपको मैं देखिए, ये एक ब्रांच को यहाँ से काट रहा हूँ। दोस्तों देखिए,
देखिए दोस्तों, आपको 45 डिग्री एंगल के ऊपर ही इसको काटना है। दोस्तों देखिए, अंदर के तरफ आपको ऐसे ढाल लगाना है। ये सारे जो ब्रांच, ये भी देखिए, और एक तो ब्रांच है, इसको भी आपको काटना है। दोस्तों देखिए, ये जो आप नोट देख पा रहे होंगे, मैं ये जो नोट्स रख रहा हूँ, ये जो काटा, ये नोट्स, ये जो है आपका, ये बाहर के तरफ आ रहा है, ये जो अंदर के तरफ जा रहा है इसको नहीं रखना है आपको, क्योंकि जो अंदर के तरफ अगर आपका जो ब्रांच डेवलप कर जाएगा तो बूसी हो जाएगा, उसके अंदर सनलाइट एयर कुछ भी नहीं जा पाएगा। इसीलिए आपको ये बाहर के तरफ जो नोड है उसके जस्ट पास से ही आपको काटना है। दोस्तों देख पा रहेंगे, मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये नोट्स आपका बाहर के तरफ जा रहा है। जब भी आपका नोट्स बाहर के तरफ जा रहा है, उसी नोट्स को छोड़कर आपको काट देना है। जितना भी काटना है आपको, अंदर के तरफ आपको काटना है। देखिए मैं काट दिया इसको, अभी इसको भी मैं काट रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये सारे मैं ब्रांच को रखने वाला हूँ, इसीलिए ये जो ऊपर मैं आपको काटने वाला हूँ, देखिए ऐसे जो ये देख पा रहे होंगे, ये नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नोट्स बाहर की तरफ निकल रहा है। इसको छोड़कर मैं इसको काट देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको काट दिया, ये भी ये एक ब्रांच है, इसको भी काटने वाला हूँ, देख पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं सारे को काट दिया हूँ, ये बाहर का सारे नोट्स को बाहर रखा हूँ, उसके ऊपर से ही सारे ब्रांच को मैं काटा हूँ। देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा जो नोट्स है बाहर की तरफ है। जब भी आप काटते हैं 45 डिग्री एंगल पे काटने से, यहाँ पर जो पानी आकर, ये पानी तुरंत ही नीचे चला आएगा, नहीं तो पूरा सामान से काटेंगे तो पानी वहाँ पर रहेगा और फंगस हो सकता है। इसके लिए उसको, इसको काट कर आप फंगीसाइड का लेप लगा दीजिए, नहीं तो कोई भी फंगीसाइड है आपको, इंसेक्टिसाइड है, उसको स्प्रे कर दीजिए, जिससे यहाँ पर ये जो आपका काटा हुआ जगह पर, वहाँ पर कोई भी फंगस का जैसे अटैक नहीं हो सके, तुरंत ही आपको फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है। दोस्तों देखिए, ये मैं काट दिया हूँ। अभी काट देने से क्या होगा, अभी सुप्त अवस्था में जब भी विंटर सीजन का ख़त्म हो जाएगा फरवरी एंड तक, इसमें जो ये सारे पत्ते हमारे झड़ जाएंगे, कोई भी पत्ता नहीं रहेगा, और जो भी पत्ता ग्रोथ होगा विंटर सीजन के एंड के बाद, ये सारे नोट्स में पत्ते के साथ आपके फ्लावरिंग भी आ जाएंगे। इसीलिए ये काटने का ज़रूरत अभी तुरंत ही है आपको, अभी ये लेंग कर दे, प्रोनिंग करने का सबसे अच्छा समय है। आप एप्पल प्लांट का प्रोनिंग करने के बाद लगभग 2 किलो के करीब आपको पूरा सूखा हुआ, ड्राई हुआ गोबर के खाद आपको देना है, और एनपीके के देना है। अगर आप एनपीके नाइट्रोजन के तौर पर नहीं दे सकते, आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दीजिए। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है, वो ऑर्गेनिक में जा सकते हैं। गोबर के खाद और मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है। आपको पूरा साइड के, ये साइड साइड में आपको गोबर के खाद 2 किलो और मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर देना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।